एक गाली बड़ी प्रचलित है कि तो कुत्ते की मौत मरेगा। भाई साहब कुत्ते को ऐसा दर्जा आप ना दें। दोस्तों नमस्कार, आज मैं मिलवाता हूँ आपको ऐसे व्यक्ति से जो हर जानवर से करता है दिल से प्यार। आपने भटजी को अक्सर देखा होगा गौ माता की सेवा करते हुए, लेकिन आज मैंने कुछ अनोखा देखा। आप देखिए हमारे पीछे यहाँ पर एक डॉगीज हैं, कुत्ते हैं, इनको भी खिलाते हैं, लंगूर हो बंदर हो उनको भी खिलाते हैं और गौ माता की सेवा तो करते ही है। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ये वीडियो जो दिखा रहा हूँ कि कुत्तों खिला रहे हैं। अक्सर कुछ लोग कहते हैं कि अब लोग कुत्ते पाल रहे हैं, गाड़ियों में घुमा रहे हैं, लेकिन गाय माता सड़कों पर है। देखिए कोई व्यक्ति किसकी सेवा करता है, किसकी तारीफ करता है और किसके बारे में क्या बोलता है, वो उतना ही बोलता है जितना कि उसका वो महत्व समझता है। और इसका महत्व समझते भटजी बखूबी से, इसीलिए आप देख रहे होंगे सुबह सुबह नाश्ता तब करते हैं जब पहले इनको नाश्ता करवाते हैं और रात को तब सोते हैं जब गौ माता को उनको जो है वहाँ पे सफाई करना हो या उनका भोजन पानी देना हो। देखिए जीवन में जैसे कंप्यूटर है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। गौ माता की सेवा करने से, गौ माता का दूध पीने से, गौमूत्र पीने से जो भी उससे हमें मिलता है उससे हमारे जो अंदर की शक्तियाँ बढ़ती हैं। और मैं हार्डवेयर क्यों कह रहा हूँ कि कुत्ते आपने फौज में देखा होगा, पुलिस वालों के पास देखा होगा, स्क्वेड डॉग तो वो भी रक्षा करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जुकाम पूरे वन विभाग के चार चार लोग बंदूक लेके तान के खड़े होते हैं, नहीं कर पाते। वही हमारे जो भोटिया कुत्ते होते हैं जिसे हम कहते हैं पहाड़ी शेर, उस शेर को भी कर देता ढेर। तो चलिए थोड़ा हम भटजी से बात करते हैं। भटजी नमस्कार, करीब आओ आप। नमस्कार, नमस्कार, करीब आए आप। नमस्कार जी, नमस्कार, जय हो, धन्यवाद आपका रतुनी जी। अच्छा भटजी, हाँ जी, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम, धन्यवाद आपका बहुत। आज मैं आपका ये वीडियो क्यों दिखा रहा हूँ, जी जी जी, आपके पास मैं जब आज रात को रुका, जी जी, तो मेरा भी कुछ ऐसा लगा यार कि सच में ही कुछ तो बात है। तो कितने आपके पास टोटल? रतुनी जी हमारे पास तो डॉगी बहुत हैं, ये तो मेरे घर पे हैं, सड़कों से ला रखा डॉग, और बाकी सड़कों पे आप देखते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास बहुत बहुत ज़्यादा डॉग्स हैं। और हर प्राणी से, हर जीव से आदमी को प्यार करना चाहिए। इनका भी हमारे शास्त्रों में इनके बारे में भी वर्णन है, क्योंकि इनको जो भैरव का दर्जा दिया गया, और सबकी रक्षा करनी चाहिए। देखो गौ माता तो है, माँ तो है ही, माँ के लिए पहली रोटी माँ के लिए जानी चाहिए सवेरे। हमारा रोज़ नित्य नियम यही रहता है कि सवेरे उठ के स्नान ध्यान करके पहले गाय माता की रक्षा करो, गाय माता की सेवा करो। गाय माता को पहली रोटी गाय माता के लिए जानी चाहिए। तो वो तो आप देख ही रहे हो कि हम जो है गाय माता के लिए निरंतर कोरोना काल से लगे हुए हैं, और उसके साथ साथ हमारे जो है डॉग्स हैं, उसके बाद हमारे पास बंदर हैं, सबकी हम इस सेवा में लगे हुए हैं, क्योंकि जीव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। और सबको परमात्मा ने इस धरती पर जो है जलवायु एक जो है एक बैलेंस बना हुआ है इनकी रक्षा करने का, और इनकी रक्षा करना चाहिए। और कई लोग कहते हैं कि भाई जो है आदमी जो है कुत्तों को पाल लेता है और जो है गाय को नहीं पाल रहा। देखो हर किसी का मत है, बिल्कुल सही है, क्योंकि गाय माता क्यों गिराना आज, क्योंकि गाय माता की रक्षा बहुत कम कर रहे हैं। अब तो धीरे धीरे हो रहा है गाय माता, मुझे पूरा विश्वास है कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिलेगा और अवश्य ही मिलेगा। तो ऐसे ऐसे करके मैं सभी लोगों को आपके जो है पुनः गाँव की ओर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं देखते रहता हूँ आपके जो है हर जहाँ भी आप मिलकर, क्योंकि आप जो है पुनः द्वारा हर किसी को जो है अपने गांव की ओर आने चाहिए। जो हमारी पितरों की भूमि थी उस भूमि को दोबारा आबाद करना चाहिए, हरा भरा लाना चाहिए। और ऐसे जीव ये तो पहले से आए, हमारे जो है हमारे पूर्वजों ने इनकी, क्योंकि इन्होंने रक्षा करी है हर किसी। आप फौज में जाके देखिए, फौज में पूरी आज हमारी देश की रक्षा कर रहे हैं। आज इनको हम आवारा कह देंगे, इनको लावारिस कह देंगे, इनको तो पहले कुत्ता का दर्जा देना नहीं चाहिए था, इनको भी कोई ऐसा दर्जा देना चाहिए था जैसे हमारी गाय माता ये दर्जा दे रहे हैं। कुत्ते का शब्द थोड़ा असूचा होता है, क्योंकि तो भारत में तो ये तो एक ऐसा डायलॉग है कि तू मरेगा कुत्ते की मौत,
और जबकि सबसे सबसे वफादार है, बहुत बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा वफादार ये है, इसको अगर आपने आज दो रोटी दे दी, एक साल के बाद इसको मिलोगे पूछ लाते हुए आपके पास आएगा, इसको याद रहता है, मानो को याद नहीं रहेगा कि इनके घर में मैंने रोटी खाई, पर याद करेगा आपको, इससे बड़ी सेवा है नहीं कुछ। हर जीव से आप प्यार करो, और हमारे जो सनातन धर्म है, हमारी जो हमारी पद्धतियाँ हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, किसी भी शास्त्र में किसी भी जीव की हत्या नहीं लिखा हुआ, हर जीव की आप रक्षा करो, और जब आप हर जीव की रक्षा करोगे, यही तो धरती पे 84 लाख यूनिक किसको कह रहे हैं आप, 84 लाख यूनिक है उन्हीं में से एक ये भी है, और ये हमें जो है भैरव देवता के रूप में इस पृथ्वी पर मिला, ये है इसका। तो आपने बहुत धन्यवाद आपका, अरे आपने भट्ट जी को सुना, देखो कितनी बड़ी बात बोली है कि कुत्ता जो है, कुत्ते को भी जो है बड़े सम्मान के साथ दफनाया जाता है, आपने फौज में देखा होगा जब गोली लगती है, क्योंकि ये बहुत मददगार होता है, और हम तो इसे भैरव देवता कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे पितृश्राद्ध, जब पितृपक्ष में आपने देखा होगा कि कौवे के लिए भी रोटी रखी जाती है, गाय माता के लिए रखी जाती है, और कुत्ता यानी श्वान, श्वान के लिए भी रखी जाती है। तो एक बात ज़रूर है कि अगर आप इन्हें पालते हैं, यानी कि जिसे लोग कहते हैं पालतू कुत्ता, तो इतना आप जरूर ध्यान रखें कि जब आप सुबह घुमाने को लेके जाते हैं, तो किसी के गेट के आगे जो है आप इनसे पॉटी ना करवाएं, और करते हैं तो आप उसको उठाने की भी हिम्मत रखें, बस इतना जरूर रखें। बाकी जो है, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि हर जीव को धरती पर रहने का हक है, और ये बहुत बड़ी बात इन्होंने बोली है, कि एक बड़ी जो गाली है, मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि कुत्ते की मौत मरेगा ऐसा कभी ना बोलें, क्योंकि कुत्ता मतलब एक किस्म से, कुत्ता देखो नाम तो नाम है, लेकिन हमारा जब भाव होता है उसके प्रति एक हीन भावना का, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। तो आपको ये संदेश कैसा लगा आप अवश्य लिखें, हर प्राणी से आप प्रेम करें, एक फूड चेन है, हर कोई हर किसी को सुरक्षा देता है, और जैसे भाई साहब ने कहा 84 लाख यूनियाँ भुगतनी पड़ती, तो एक दिन अगर हम छोटी मोटी गलती तो हर कोई करता है जब धरती पर इंसान आता है, तो एक दिन हमें भी ये बनना पड़ेगा, तो कोई हमें कुछ खिला दे, ये सभी चाहते हैं। तो चलिए देखते रहें पुनः गांव की ओर, और हम आपको हमेशा सच्ची और अच्छी खबरें दिखाते रहेंगे, जिससे कि थोड़ा हमारा मन परिवर्तन हो, और पुनः गांव की ओर, सिर्फ गांव आकर ही नहीं होगा, गांव की पद्धतियों पर लौटना, हमारे संस्कारों को न भूलना, यही पुनः गांव की ओर है, यानी कि अपने आप संस्कारों पर बने रहें। तो जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, और जय गौ माता, जिसकी वजह से मैं आज भट्ट जी के पास पहुंचा हूं, और कई बार आ भी जाता हूं, और भट्ट जी ने भी कहा, हमको उम्मीद भी है कि राष्ट्रमाता गौ माता 2024 में अवश्य होगी। और मोदी जी, आपसे भी विनम्र प्रार्थना है कि जिस तरह से आपने झटके में कह दिया कि नोटबंदी और राम मंदिर बनेगा, उसी तरह से एक दिन ये भी आएगा कि गौ माता, राष्ट्रमाता आपको जो है पूरा संसार याद करेगा।